जैसा कि आप मेरे वीडियोस को पहले भी देखते होंगे, मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का वैकेशन होने वाला है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 18 से लेकर 2 जनवरी तक वैकेशन रहेगा, और इस बीच में अगर यहाँ पे कोई मीटिंग होती है, फोर्डा की मीटिंग होती है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कोई भी डिसीजन लिया नहीं जा सकता है, क्योंकि जजेस अगर जो केस की सुनवाई कर रहे हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी एक मीटिंग फिर से हुई थी आज लेटेस्ट, जो फोर्डा के कुछ मेंबर्स हैं उनकी और मनसुख मांडविया जी की मीटिंग हुई थी। तो यहाँ पे एश्योरेंस दिया गया है डॉक्टर को कि 1 वीक के अंदर हम फिर से क्या कहते हैं इसमें सबमिट करेंगे अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो 1 वीक का मतलब क्या हुआ कि ये केस कहीं ना कहीं 6 जनवरी से पहले सुना नहीं जाने वाला है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, जैसा मैं पहले भी आपसे बोल रहा था कि कुछ नहीं होने वाला है, फोर्डा ने सर फोड़ लिया है अपना, उससे कुछ नहीं होने वाला, बीच में डिले भी किया, बीच में 7 दिन का गैप भी दिया, गवर्नमेंट को टाइम भी दिया, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। NSUI ने एक लेटर डाला हुआ है कि अर्ली काउंसलिंग कराइए आप, NEET UG हुआ या NEET PG हुआ, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी आपको एश्योरेंस दे दिया जा चुका है कि 1 वीक का टाइम फिर से दिया गया है। और 1 वीक का टाइम का मतलब कि 25-26 तारीख हो गई, उसके बाद भी अगर जजेस अवेलेबल होंगे, अगर वो वैकेशन पे नहीं गए होंगे जो कि आपकी केस की हियरिंग कर रहे हैं, तभी केस की हियरिंग होगी, वरना क्या होता है आपको पता है। 6 जून को वैसे भी NEET UG की जो ब्राउचर है उसमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मेंशन किया गया है।